ओफो, व्हाट इज दिस भाभी, ये मेथी के पराठे मुझे नहीं खाने, मेरा मन सैंडविच खाने का कर रहा है। आप दोनों कामचोर भाभियों से मेरी फरमाइश पूरी नहीं होती। अगर मेरी जगह 3-4 नंद होती तो आप दोनों का क्या ही होता। ये दोनों तो मेरा काम भी भूल जाती हैं। पता नहीं सारा दिन कौन सा पहाड़ तोड़ती हैं। जाओ अब मेरी बेटी के लिए सैंडविच बना कर ले आओ। दोनों भाभियाँ नंद के लिए सैंडविच बना कर ले आती हैं और नंद उसे खाकर बोलती है, आज मेरे ऑफिस में पार्टी है, आप दोनों मेरा मेकअप कर देना, बड़ी भाभी तुम मेरा हेयर स्टाइल बना देना और छोटी भाभी तुम मेरा मेकअप कर देना। कुछ देर बाद नव्या तैयार होने लगती है, बड़ी भाभी उसका मेकअप कर रही होती है, तभी छोटी भाभी बोलती है, दीदी आपका हाथ खाली है, मेरे पास बहुत सुंदर चूड़ियाँ रखी है, उन्हें पहन लीजिए। तुम इतनी गवार हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता मॉडर्न ड्रेस के साथ चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती। जी दीदी। नव्या ऑफिस चली जाती है। ऐसे ही एक दिन बड़ी भाभी पोछा लगा रही होती है तो नव्या जानबूझकर मूंगफली के छिलके गिरा देती है। दीदी मैंने अभी तो यहाँ पर पोछा लगाया था और आपने गंदा कर दिया। हाँ तो सफाई करते हुए तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है क्या, तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। नव्या अपनी भाभी का हाथ मरोड़ देती है। आह बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। तुम तो मेरी बेटी को परेशान करती रहती हो, अरे एक बार फर्श को घिस लेती तो क्या चला जाता। लेकिन नव्या बेटी तू परेशान मत हो, तुझे इन दोनों से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। वो कैसे माँ? तेरे लिए बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है, ये ले लड़के की फोटो। वो फोटो एक नैतिक नाम के लड़के का था। नैतिक की फोटो देखते ही पहली नजर में नव्या को पसंद आ जाता है। फिर 2 महीने बाद उसकी शादी नैतिक से हो जाती है। शादी के बाद नव्या अपने ससुराल आ जाती है, जहां पर उसकी एक नंद रश्मि होती है, जो कि नव्या से भी बहुत ज्यादा घमंडी थी। जो सब नव्या अपने मायके में भाभियों के साथ करती थी, वही उसके साथ ससुराल में होने लगा। ऐसे ही एक दिन नव्या की नंद रश्मि उससे कहती है, ओ भाभी ये क्या बकवास सैंडविच बना दिया, मुझे ये नहीं खाने, अब जल्दी से पास्ता बना कर ले आओ। लेकिन दीदी मैंने ये बहुत मेहनत से बनाया है। हाँ तो मेरी बेटी का पास्ता खाने का मन है, उसे नहीं खाना ये बेकार सैंडविच। नव्या उसके लिए पास्ता बना कर लेकर आती है। कुछ देर बाद रश्मि का कॉफी पीने का मन होता है, वो उसे कॉफी बना कर लाने को कहती है। जैसे ही वो कॉफी पीती है, कॉफी के कप को जमीन पर फेंक देती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या घटिया कॉफी बनाई है, अपने मायके से कुछ सीख कर नहीं आई हो क्या, चलो जाओ और मेरी सैंडल लेकर आओ और मुझे पहना दो। उसके बाद वो सब काम करती है, लेकिन उसके साथ ही उसको अपने मायके में भाभियों के साथ किया हुआ बर्ताव याद आ रहा था। अब वो घर का सारा काम अकेले ही करती है और साथ ही अपनी नंद की सारे नखरे भी सहती है। ऐसे ही एक दिन, अरे तुम दोनों वैसे आज यहाँ कैसे आना हुआ? हम दीदी को लेने आए हैं, बहुत दिन हो गए उन्हें आए हुए और हम अपनी प्यारी ननद को बहुत याद कर रहे थे। अपनी भाभियों के पास आकर नव्या उन दोनों के गले लग जाती है और उनसे रोते हुए माफ़ी मांगती है। भाभी आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप दोनों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था, आप पर क्या गुजरी होगी, अब मुझे समझ में आ रहा है मेरे साथ वो सब हो रहा है, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए काफ़ी है दीदी। हाँ अब तो हम यही चाहते हैं कि आप अपने ससुराल में सबसे मिलजुल कर खुश रहें। उन सब की बात सुनकर रश्मि और उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी नव्या से माफ़ी मांगती है। इसके बाद नव्या भाभियों के साथ कुछ दिनों के लिए मायके आ जाती है और मायके में खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ समय बाद वो वापस ससुराल जाती है और सबके साथ मिलजुल कर अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। एक समय की बात है, प्रिया अपने भाई सुरेश और अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। प्रिया के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, परंतु प्रिया का भाई बहुत ही दुष्ट था। उसे लगता था कि जब से प्रिया आई है, तब से उसके माता पिता का प्यार प्रिया को ही मिलने लग गया है, इसलिए वो प्रिया से नफरत करता था और वो हमेशा ही प्रिया को परेशान और दुखी करने के तरीके ढूंढता रहता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन प्रिया अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी उसे एक कॉल आता है। हेलो, आप जो भी हैं आप जल्दी से मार्केट के हाईवे वाली रोड पर आ जाइए। आप कौन हैं और आप मेरे पापा के फोन से कॉल क्यों कर रहे हैं और मुझे आप हाईवे पर क्यों बुला रहे हैं, क्या हुआ है?
अच्छा तो ये आपके पापा हैं? बेटा मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, पर आपके माता पिता का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से यहाँ आ जाओ। ये खबर सुनकर तो प्रिया के होश ही उड़ जाते हैं। वो जल्दी से बताई हुई जगह पर पहुंचती है। जब वो वहां जाती है तो देखती है कि उसके माता पिता खून से लथपथ वहां पड़े होते हैं। उन्हें देखकर प्रिया काफी डर जाती है, परंतु वो फिर हिम्मत दिखाकर उन दोनों को अस्पताल पहुंचाती है। कुछ देर में उसका भाई सुरेश भी वहां पहुंच जाता है। क्या हुआ मम्मी पापा को? उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, अंदर डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ है, मैंने तुझे कहा था कि मौसी के घर तू भी मम्मी पापा के साथ चली जा, लेकिन तूने कहा कि तुझे यहाँ रहकर पढ़ाई करनी है। अगर तू साथ गई होती तो क्या पता ये एक्सीडेंट नहीं होता, अगर उन्हें कुछ हुआ तो तू देख लेना। और होता भी कुछ ऐसा ही है, बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से प्रिया और सुरेश की माता पिता की मृत्यु हो जाती है। दोनों भाई बहन जैसे तैसे अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करते हैं, परंतु अब सुरेश की नफरत प्रिया के लिए और बढ़ जाती है। कुछ दिन तो सभी के दुख में गुजरते हैं। फिर एक दिन सुरेश प्रिया के कमरे में आता है और कहता है, सुन प्रिया, जो भी कुछ हुआ सब तेरी वजह से हुआ है, इसलिए अब सब तू ही ठीक करेगी। तुम क्या कह रहे हो भैया, मेरे समझ नहीं आ रहा। तेरी वजह से ही मम्मी पापा की जान गई है, और पापा ही इकलौते थे जो घर का खर्चा चलाते थे, इसलिए अब से तू ही बाहर जाकर पैसे कमाएगी और उसी से ये घर चलेगा, समझी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरी अभी 12वीं की परीक्षा बाकी है। वो सब मैं नहीं जानता, अब से तू स्कूल नहीं जाएगी, तू केवल काम पर जाएगी, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगा, समझी। प्रिया को मजबूरन सुरेश की बात माननी पड़ती है और प्रिया बाहर काम ढूंढने निकल जाती है, क्योंकि प्रिया को पार्लर का काम आता था, इसलिए वो एक पार्लर की दुकान पर काम करने लग जाती है। और प्रिया जो पैसे कमाती है उसी से अब घर का खर्चा चलने लगता है। सुरेश एक नंबर का आलसी था, वो पूरा दिन घर पर ही रहता था परंतु कोई काम नहीं करता था। प्रिया को ही सुबह खाना बनाकर जाना पड़ता था और आकर भी वही खाना बनाती थी। प्रिया बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, साथ ही साथ उसे जानवर और पंछियों से बहुत प्यार था, इसलिए जब वो सुबह सुबह निकलती थी तो वो अपने साथ कुछ अनाज के दाने लेते हुए निकलती थी, और रास्ते में पड़ने वाले एक छोटे से जंगल में पक्षियों को दाना देते हुए जाती थी। अब समय इसी तरह गुजरने लगता है। फिर एक दिन अचानक सुरेश शादी करके घर आता है और प्रिया को ये बात बताता है, देख प्रिया, ये तेरी भाभी है, इसे थोड़ा तमीज से बात करना, और हाँ, इस घर में इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझी। प्रिया अपनी भाभी को देखकर बहुत खुश हो जाती है, उसे लगता है कि कम से कम उसकी भाभी आने के बाद उसकी जिम्मेदारियां थोड़ी सी कम हो जाएगी, परंतु ये उसके गलतफहमी से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि उसकी भाभी उसके भाई से भी ज्यादा दुष्ट थी। प्रिया, ये कैसी सब्जी बनाकर रख दी है तूने? ना इसमें मसाला है और ना ही स्वाद, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन ढंग का खाना बनाना नहीं आता। भाभी, मैं काम से थक कर आई हूँ, मेरे हाथ में इतना दर्द है, इसलिए मुझसे जो बन पाया मैंने बना दिया। अच्छा, तो तू अब मुझे पैसे कमाने का रूप दिखा रही है, रुक तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर मीना सुरेश को आवाज लगाती है। क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया? सुरेश देख लो, तुम्हारी बहन अब पैसे कमाने का रोब दिखा रही है, कह रही है मैं पैसे कमाती हूँ इसलिए मेरी मर्जी मैं जो करूँ, यहाँ तक कि ये मुझसे बदतमीजी भी कर रही है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी पत्नी से बदतमीजी की, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर सुरेश उस दिन प्रिया की खूब पिटाई करता है। बेचारी प्रिया बेवजह ही मार खाती रहती है और फिर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपने माता पिता को याद करने लगती है। आखिर आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी नरक हो चुकी है। भाई सही कहता है, अगर मैं आपके साथ चली गई होती तभी सही रहता, क्योंकि फिर आपके साथ साथ मेरी भी मृत्यु हो जाती और मुझे ये सब कुछ सहना नहीं पड़ता। ऐसा कहते कहते प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है और फिर रोते रोते सो जाती है। अब दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं।
एक दिन सुरेश अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग करने जाता है। वो लोग मॉल में इधर उधर घूमकर शॉपिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी मीना की नज़र मॉल की एक ज्वेलरी शॉप में रखे डायमंड नेकलेस पर जाती है। मीना को देखते ही वो डायमंड नेकलेस पसंद आ जाता है और वो अंदर जाकर उसका प्राइस पूछती है और उसे पता लगता है कि उसका प्राइस 2 लाख रुपए है। इतनी कीमत सुनकर मीना हैरान रह जाती है, परंतु वो कैसे ना कैसे करके उस नेकलेस को लेना चाहती थी। लगता है उस नेकलेस पर तुम्हारा मन आ गया है। हाँ, मुझे वो बहुत पसंद आया, मुझे वो नेकलेस चाहिए। लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? वो प्रिया छोटी मोटी सी नौकरी करती है, उससे बस घर का ही खर्चा निकल पाता है। वैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है जिससे मैं ये नेकलेस भी खरीद पाऊंगी और हमें और भी पैसे मिल जाएंगे। कैसा उपाय? आप तो जानते ही हैं कि आपकी बहन वैसे भी किसी काम की नहीं है, और मैंने सुना है कि हमारे शहर में एक ऐसा हॉस्पिटल है जो लोगों की किडनी लेकर 3 से 4 लाख रुपए देता है। क्यों ना हम प्रिया को उस डॉक्टर के पास ले जाएं और प्रिया की एक किडनी बेच दें। वैसे भी इंसान एक किडनी पर भी जी लेता है, तुम्हारी बहन भी जी लेगी। सुरेश थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, वैसे हम प्रिया को जान से नहीं मार रहे, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रिया को डॉक्टर के पास लेकर कैसे जाएंगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मेरे पास एक अच्छा रास्ता है। ऐसा कहकर अगले दिन मीना प्रिया के पास जाती है और कहती है, हे भगवान, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और कितने दिनों से ये दर्द लगातार हो रहा है, पता नहीं मेरी तबीयत को क्या हो गया है। भाभी, अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अरे मैं अकेले कैसे जाऊं? सुरेश तो अपने दोस्तों के साथ हमेशा बाहर रहते हैं और तुम तो मेरे साथ जाओगी नहीं, तो मैं अकेले कैसे जाऊं? भाभी, आपसे किसने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी? चलिए मैं आपके साथ चलती हूं, आखिर सुख दुख में ही तो परिवार काम आता है ना। ऐसा कहकर प्रिया मीना के साथ चल पड़ती है। मीना सुरेश को सीधे हॉस्पिटल पर बुलाती है और कुछ देर में प्रिया को लेकर वहां पहुंच जाती है और किसी तरह वो लोग प्रिया को वहां बेहोश कर देते हैं और वहां का डॉक्टर प्रिया की एक किडनी निकाल लेता है। 3 दिन बाद प्रिया को होश आता है और उसे अपने भाई और भाभी की इस करतूत का पता चलता है। हे भगवान, ऐसा भाई किसी दुश्मन को भी मत देना। भाई तो बहनों की रक्षा करते हैं, लेकिन मेरा भाई इतना दुष्ट हो गया है कि उसने पैसों के लिए मेरी ही किडनी को बेच दिया। प्रिया ये सब जानकर बहुत दुखी होती है, उसका मन बहुत अशांत होता है, इसलिए वो अपने मन को शांत करने के लिए उसी जंगल में चली जाती है जहां वो पक्षियों को दाना दिया करती थी, और एक पेड़ के नीचे जाकर अपने मन के दुख को बाहर निकालने लगती है कि तभी उसके सामने बैठा एक कौवा बोल पड़ता है, चिंता मत करो प्रिया, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम बोल सकते हो, बोलने वाला कौवा तो मैंने पहली बार देखा है। वो इसलिए क्योंकि मैं एक जादूगरनी का कौवा हूँ। मैं जानता हूँ प्रिया, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम कुछ देर यहीं रहना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कहकर वो कौवा वहाँ से चला जाता है और सीधा जादूगरनी के पास पहुँच जाता है और उसे सारी बात बताता है। मैंने उस प्रिया के बारे में सब कुछ पता लगाया है, वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है, उसका अच्छा स्वभाव, लोगों की मदद करने का जज्बा, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उसका भाई बहुत दुष्ट है, उसने उसके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब और नहीं, मेरे जादुई कौवे जा और इस नेकलेस को ले जाकर प्रिया को दे दे और उससे कहना कि वो इसे पहन ले। वो कौवा ऐसा ही करता है। वो कौवा उस जादुई नेकलेस को लेकर प्रिया के पास जाता है और उसे वो देते हुए कहता है, प्रिया ये एक जादुई नेकलेस है, इसे तुम अपने गले में डाल लो, इसे पहनते ही तुम्हारे सारे कपड़े सोने के हो जाएंगे और इस नेकलेस को पहनकर तुम जिस भी चीज को हाथ लगाओगी वो सोने की हो जाएगी और उस सोने की मदद से तुम एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। इसके बाद प्रिया घर चली जाती है और उस नेकलेस को पहनकर अलग अलग चीजों को हाथ लगाने लगती है, परंतु प्रिया को ये सब करते हुए उसकी भाभी यानी मीना देख लेती है और सुरेश को भी ये सब दिखाती है। देख लिया, तुम्हारी बहन कितनी तेज है, अकेले अकेले पता नहीं कहां से ये जादुई नेकलेस ले आई और अब इसकी मदद से अमीर बनना चाहती है। तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।
ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी प्रिया के कमरे में घुस जाती हैं और मीना प्रिया से वो जादुई नेकलेस छीन लेती है। तू इस नेकलेस को पहनने लायक नहीं है, ये तो मेरे गले पर ही शोभा देगा। ऐसा कहकर मीना उस जादुई नेकलेस को पहनने लगती है और सुरेश मीना को वो नेकलेस पहनाने में मदद करने लगता है। परंतु जैसी ही सुरेश मीना को वो नेकलेस पहनाता है, वो पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है और मीना भी वो नेकलेस पहनते ही सुरेश की तरह एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है और उन दोनों को अपने किए की सजा मिल जाती है। इसके बाद प्रिया वो नेकलेस लेकर उस घर से निकल जाती है और शहर में एक अच्छा सा घर लेकर अपनी नई जिंदगी शुरू करती है और जादुई नेकलेस की मदद से एक अच्छा जीवन जीने लगती है। गरीब लड़की और लिपस्टिक का घर। एक गांव में सुहाना अपनी दादी सरिता के साथ रहती थी। सुहाना के माता पिता की बचपन में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद सुहाना की देखभाल उसकी दादी सरिता ने ही की थी। लेकिन सरिता की उम्र ज्यादा होने के कारण सरिता से कोई काम नहीं हो पाता था, इसलिए पूरे घर का काम सुहाना ही किया करती थी। सुहाना रेड़ी पर बिंदी, काजल, लिपस्टिक आदि चीजें बेचा करती थी। सुहाना सुबह से ही रेड़ी लेकर पूरे गांव में घूमा करती थी और शाम तक जो भी पैसे मिलते थे वो अपनी दादी के हाथ में रख देती थी और फिर सरिता उन्हें संभाल कर रख देती। बेचारी सुहाना इस उम्र में पढ़ाई ना करके काम किया करती थी और अब वो कर भी क्या सकती थी। दोनों ही मजबूर थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सुहाना को स्कूल भेज सके। शाम को जब सुहाना घर आती है तो उसके बाद वो घर का भी काम किया करती थी, रात का खाना भी बनाती थी और दोनों खाना खाकर सो जाते थे। एक दिन सरिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। सुहाना सभी पड़ोस वालों के पास मदद मांगने जाती है लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता और सभी को सुहाना की बातें झूठी लगती है। और आस पड़ोस की कुछ औरतें तो ये कह रही थी, अब इसके दिन आ गए हैं, अब बुढ़िया ज्यादा दिनों तक नहीं बचेगी। हाँ बहन, वैसे तुम कह तो सही रही हो, और सुहाना को भी घर का बहुत काम करना पड़ता है और अगर बुढ़िया चली जाएगी तो सुहाना को ही घर का सारा काम करना पड़ेगा। ये सारी बातें सुहाना सुन लेती है और उन दोनों को आकर कहती है, आंटी आप किसी का अच्छा नहीं चाहती तो बुरा भी मत सोचिए, आपको शर्म नहीं आती मेरी दादी के बारे में ऐसी बातें कर रही हैं? अरे अरे, देखना कैसे बोले जा रही है, जाते जाते अगर इसके माँ बाप इसको थोड़े तमीज सिखा कर जाते तो ठीक रहता। देखिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ तो इसलिए आप भी मुझे कुछ मत बोलिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतने बड़े होकर किसी के बारे में इतना बुरा बुरा कैसे बोल सकते हैं। मैं तो बस यही कह रही थी, अगर तेरी दादी नहीं रहती तो तेरे को भी कम काम करना पड़ता, पर वैसे भी आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है, मेरी दादी जल्द ही ठीक हो जाएंगी, देख लेना, और आज के बाद आप मेरी दादी को कुछ भी नहीं बोलेंगी। हाँ हाँ ठीक है, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, सही बता रही हूँ तो उसको गलत लग रहा है। जिसके बाद सुहाना अपने घर आ जाती है और अपनी दादी को दवाई खिला देती है। सुहाना अगले दिन सामान बेचने नहीं जाती क्योंकि उसको अपनी दादी की चिंता सता रही थी। भगवान मुझे जल्दी से अपने पास बुला लो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी पोती को कोई भी दिक्कत महसूस हो। अरे दादी आप कैसी बातें कर रही हो, आपको तो पता है ना आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और अगर आप ही ऐसी बात करेंगी तो मेरा क्या होगा दादी, मैंने तो बचपन से ही आपको माँ और पापा दोनों माना है, देख लेना आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। कैसे बेटी, ना ही तो हमारी कोई मदद करता है और हमारा घर भी इतना छोटा है और ना ही हमारे पास इतने ज्यादा पैसे हैं। अपनी दादी की बात सुनकर सुहाना उदास हो जाती है और सोचने लगती है, काश थोड़े पैसे होते तो मैं अपनी एक कॉस्मेटिक की दुकान खोल लेती। मैं रेडी पर सामान बेचने जाती हूँ इसलिए मेरे से कोई सामान नहीं खरीदता, यही समझकर कि मेरा सामान अच्छा नहीं है। काश मेरा वो सपना पूरा हो जाए और दादी का इलाज करवा कर हम दोनों खुशी से रहें। जिसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुहाना रेडी लेकर निकल जाती है लेकिन वो देखती है कि एक गर्भवती औरत रोड के किनारे खड़ी है
जो कि ऑटो रोकने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा, जिसके बाद सुहाना उनके पास जाती है और ऑटो रिक्शा रुकवाकर उनको अस्पताल लेकर जाती है और बाहर बैठ जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही उसको पता चलता है कि उस औरत ने एक बेटे को जन्म दिया है। ये जानकर सुहाना को बहुत खुशी होती है, लेकिन डॉक्टर उसको फीस जमा करने के लिए कहते हैं। फीस 5,000 रुपए थी और अभी तो सुहाना के पास एक भी रुपया नहीं था, तो वो 5,000 रुपए कैसे देती। फिर सुहाना डॉक्टर साहब को सारी बात बताती है, जिसके बाद किसी तरह वो डॉक्टर मान जाता है। फिर सुहाना कुछ लोगों से पैसे मांग कर और घर में से जमा पूंजी लेकर उस डॉक्टर को दे देती है, जिसके बाद सुहाना उस औरत को उसके घर ले आती है और वो औरत उससे कहती है, अगर आज तुम वहाँ पर नहीं आती तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। तुम तो मेरी बहन जैसी हो, इतनी गरीब होने के बाद भी तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तुम्हें थोड़े पैसे भी देना चाहती हूँ, ज्यादा नहीं लेकिन इतने तो दे ही सकती हूँ कि तुम्हारा कोई भी एक सपना पूरा हो जाए। और तुम मना मत करना, ये तुम मेरी तरफ से एक तोहफा समझ कर रख लो। इसके बाद सुहाना वो पैसे लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी दादी को सारी बातें बता देती है। ये तो तूने बहुत अच्छा किया, तूने किसी जरूरतमंद की मदद करी, मुझको तुझ पर गर्व है। दादी, मैंने सोचा है कि मैं इन पैसों से एक छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान खोलूं, क्योंकि मैंने देखा है कोई भी मेरी रेड़ी पर से सामान नहीं लेता, और अगर मैंने दुकान से सामान बेचना चालू करा तो मेरे पास ज्यादा ग्राहक आएंगे। बेटी, तू ठीक कह रही है, तू अपने लिए एक दुकान खोल ले। जिसके बाद सुहाना अगले दिन अपने लिए एक दुकान खरीद लेती है और उसमें सारा पार्लर का सामान रख देती है। उसका सपना तो पूरा हो जाता है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो उदास होकर एक दिन कहीं जा रही होती है कि तभी उसे एक जादूगरनी मिलती है और जादूगरनी सुहाना से कहती है, अरे सुहाना बेटी, तुम इतनी उदास होकर कहाँ जा रही हो? अरे, आपको मेरा नाम कैसे पता? आप तो जादूगरनी है ना? मैं जादूगरनी हूँ, तभी तुम्हारा नाम पता है। मैंने आज ही तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगाया है कि तुमने एक गर्भवती औरत की मदद की और साथ ही तुम गरीबों की भी मदद करती हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो और तुमने एक दुकान भी खोली है जिसमें कोई ग्राहक नहीं आता। मैंने तुम्हारी दुकान के पास एक जादुई लिपस्टिक का घर बनाया है, तुम उसमें अपनी दादी के साथ खुशी खुशी रह सकती हो, और देखना तुम्हारी दुकान में काफी सारे ग्राहक आ जाएंगे और तुम्हारी दादी भी जल्दी से ठीक हो जाएंगी। जादूगरनी की बात सुनकर सुहाना को बहुत खुशी होती है और उसको सब समझ आ जाता है, और वो जल्दी से अपनी दुकान के बाहर जाकर देखती है तो उसकी दुकान के बगल में एक जादुई लिपस्टिक का घर बना होता है। ये देखकर सुहाना बहुत खुश हो जाती है और अपनी दादी को उस घर में लेकर आ जाती है, जिसमें की जरूरत की सारी चीजें थी। और अगले दिन जब वो अपनी दुकान पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आ रखे हैं, और धीरे धीरे करके उसकी दुकान पर बहुत सारे लोग सामान खरीदने आने लगते हैं। और अब उसकी दादी की भी तबीयत सही होने लगी थी और वो लोग अपने जिंदगी में खुश रहने लगे थे। जादुई सोने और चांदी के लहंगे। किसी गांव में अनुष्का अपने सौतेली माँ अनीता के साथ रहती थी। अनीता बहुत ही मक्कार और मतलबी किस्म की औरत थी। वो अनुष्का से सारा दिन घर का काम करवाती थी और उसको रात में बचा कुचा बासी खाना देती थी। इसी तरह दुखों से भरे अनुष्का की जिंदगी कट रही थी। एक दिन अनुष्का की सहेली अंजलि की शादी थी, लेकिन अनुष्का के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, इसलिए वो अनीता के पास जाती है और कपड़ों की मांग करती है। माँ, मेरे पास एक भी कपड़े नहीं है और जो भी कपड़े हैं सब फटे पुराने हैं। कृपया मुझे अंजलि की शादी में पहनने के लिए एक लहंगा दिलवा दो ना। अरे, तुझ जैसे भिखारन को लहंगा चाहिए? तेरा बाप यहाँ पर पैसों से भरा बक्सा थोड़ी ना छोड़कर गया है जो मैं तेरी हर फरमाइश पूरी करती फिरूं। चल भाग यहाँ से, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर और जाकर घर का सारा काम खत्म कर, वरना मार मार कर तेरी खाल खींच लूंगी। अनुष्का उदास होकर घर के कामों में लग जाती है।
अनुष्का अपना एक पुराना सा फटा हुआ लहंगा कैसे न कैसे सिलकर उसको तैयार कर लेती है और उसको धोकर डाल देती है ताकि वो उसको अंजलि की शादी में पहनकर जा सके। लेकिन शाम को जब वो लहंगा पहनने के लिए अपना लहंगा छत से उतारने जाती है तो वो देखती है कि लहंगा वहाँ से गायब है। इसलिए अनुष्का उदास मन से अपने गंदे सड़े कपड़ों में ही अंजलि की शादी में चली जाती है। शादी में आए सभी लोग अनुष्का पर बहुत हंसते हैं। वो सब देखकर अनुष्का और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो अपने गांव के पास वाली नदी के पास आकर बैठ जाती है और रोने लगती है। भगवान जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कोई मुझसे प्यार नहीं करता? सभी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मुझे ये दिन न देखना पड़ता। आपने मुझसे मेरे माँ बाप को क्यों छीन लिया? मेरे माँ बाप को मेरे पास वापस भेज दो ना। मैं सौतेली माँ के साथ नहीं रहना चाहती। वो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और घर का सारा काम करवाती है और मुझे काम करवाने के बाद घर का बचा कुचा बासी खाना देती है और छोटी सी गलती हो जाने पर बहुत मारती है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा मत करो भगवान मेरे साथ। इतना कहकर अनुष्का रोने लग जाती है। वहीं से एक परी गुजर रही थी। परी जैसे ही अनुष्का को रोता देखती है तो परी को अनुष्का पर दया आ जाती है और परी अनुष्का से बोलती है, अरे बेटी तुम रो क्यों रही हो? अनुष्का परी को देखकर डर जाती है और कहती है, कौन हो तुम और ये तुम्हारे पीछे पंख कैसे लगे हैं? मेरी सौतेली माँ ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है ना? नहीं, मैं एक परी हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनुष्का है। अनुष्का, तुम यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही हो? तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं? परी के इतना कहते ही अनुष्का परी को सारी बात बताती है। तभी परी अपने जादू से अनुष्का को दो सोने और चांदी के लहंगे देती है। अनुष्का, ये जादुई सोने और चांदी के लहंगे हैं। ये लहंगे तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। अब तुम खुशी खुशी इन लहंगों को लेकर अपने घर जाओ। अनुष्का खुशी खुशी उन जादुई सोने और चांदी के लहंगों को लेकर अपने घर आ जाती है और दोनों लहंगों को छुपाकर अपने अलमारी में रख देती है। रात हो चुकी थी। अनिता बहुत गुस्से में थी क्योंकि आज घर में खाना नहीं बना था, इसलिए वो बहुत तेज से चिल्ला रही थी, अरे कहाँ मर गई करमजली, घर में खाना भी बनाना है। तभी वहाँ पर अनुष्का आ जाती है। तुझे पता नहीं है कि अभी तक घर में खाना भी नहीं बना है? माँ, मैंने आपको बताया था ना, आज मेरी सहेली अंजलि की शादी है, मैं वहीं गई थी। अच्छा, तो तू अब अपने मन की भी करने लगी है? मुझसे बिना पूछे उसकी शादी में भी चली गई? इतना कहकर अनिता अनुष्का को खींचकर एक चाटा मारती है। माँ, मुझे मत मारो ना, मैं अभी जाकर आपके लिए खाना बनाती हूँ। इतना कहकर अनुष्का रोते रोते रसोई में खाना बनाने चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो रसोई में जाती है तो देखती है कि खाना पहले से ही बना हुआ है। वो सब देखकर अनुष्का दंग रह गई। अरे, खाना तो पहले से ही बना हुआ है, आखिर ये कैसे हो सकता है? अनुष्का रसोई में खड़ी हुई थी तभी वहाँ पर सोने और चांदी के दोनों लहंगे प्रकट हो जाते हैं और उनमें से सोने का लहंगा कहता है, अनुष्का ये खाना हमने बनाया है, जाओ ये खाना अपनी माँ को दे आओ। हाँ अनुष्का, अपनी माँ को ये खाना देकर आओ, फिर देखना क्या होता है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम तुम्हारे साथ हैं। अनुष्का दोनों लहंगों की बात सुनती है और प्लेट में खाना लगाकर अपनी माँ को देने जाती है। आज तो बड़ी जल्दी खाना बना दिया तूने, किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लगता है ये उसी का असर है, इसलिए आज फुर्ती में खाना बना लिया। चल अब खाना यहाँ रख और निकल यहाँ से। अनुष्का के जाने के बाद अनिता खाना खाने लगती है। खाना खाने के कुछ देर बाद ही अनिता को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। अनुष्का वहाँ पर आती है तो वो अनिता को बेहोश देख उसको होश में लाने की कोशिश करती है। माँ उठो ना, आपको क्या हुआ, उठो ना माँ। इतना कहकर अनुष्का अनिता के मुंह पर पानी के छींटे मारती है। अनिता के मुंह पर पानी के छींटे पड़ते ही अनिता को होश आ जाता है और वो अनुष्का से कहती है, करमचली तूने मेरे खाने में क्या मिलाया था?
कुछ नहीं माँ, मैंने आपके खाने में कुछ भी नहीं मिलाया। तू ऐसे नहीं बताएगी, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर अनीता अनुष्का को बहुत मारती है। अनुष्का को हाथ पैर में बहुत चोट लग गई थी और तो और अनीता ने अनुष्का को 3 दिन तक खाने को कुछ भी नहीं दिया था। लेकिन अनीता को ये नहीं पता था कि अनुष्का के पास जादुई सोने और चांदी के लहंगे हैं। अनुष्का लहंगों की मदद से ही खा पी रही थी, लेकिन एक दिन अनीता अनुष्का को लहंगों से चीजें मांगते देख लेती है। जादुई सोने का लहंगा, मुझे कुछ कपड़े दे दो, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं। और चांदी का लहंगा, तुम मुझे कुछ अच्छा सा खाना खाने के लिए दे दो। अरे, ये तो जादुई लहंगा लग रहे हैं और अनुष्का इनसे किसी भी चीज की मांग कर रही है, तो ये लहंगे उसको ला कर दे रहे हैं। क्यों ना मैं अगर इन लहंगों को चुरा लूं, तो मैं जादुई लहंगा से बहुत सारा सोना चांदी मांग सकती हूँ और अमीर हो सकती हूँ। इतना सोचकर अनीता अगले दिन रात में अनुष्का के कमरे में से दोनों लहंगे चुरा लेती है और अपने कमरे में अलमारी में जाकर रख देती है। अगले दिन सुबह अनुष्का दोनों जादुई लहंगों को अपनी अलमारी में ना पाकर बहुत दुखी होती है। अरे, मेरे दोनों जादुई लहंगे कहाँ हैं? इधर अनीता अपने कमरे में दोनों लहंगों को अलमारी में से निकालती है और उनसे कहती है, सोने और चांदी के लहंगों, तुम दोनों मुझे भर भर के सोना चांदी दो। अनीता के इतना कहते ही दोनों लहंगों में से बहुत सारे पत्थर निकलते हैं और अनीता को मारने लग जाते हैं। अनीता डर के मारे भागते भागते अनुष्का के कमरे में पहुंचती है और साथ में वो दोनों लहंगे भी उसके पीछे पीछे आते हैं। अनुष्का, मुझे बचा लो, मैंने लालच में आकर तुम्हारे दोनों जादुई लहंगे चुरा लिए। मैंने इनसे बहुत सारे सोना चांदी मांगे, लेकिन इसमें से बहुत सारे पत्थर निकले और मुझे मारने लगी। तुम इनसे कहकर मुझे बचा लो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अनुष्का, तुम इन्हें मत बचाओ, ये तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करती है, ये इसी लायक है। हाँ अनुष्का, ये इसी लायक है। नहीं, तुम दोनों मेरी माँ को माफ कर दो, आखिर में ये मेरी माँ ही तो है ना, और इनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तुम इन्हें पहले जैसा कर दो। अनुष्का के इतना कहते ही दोनों लहंगे अपनी शक्ति से अनीता को पहले जैसा कर देती हैं। अनुष्का बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने तुम्हारे पर बहुत अत्याचार किया, मुझे पता है मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो बेटी। कोई बात नहीं माँ, गलती हर इंसान से होती है, मैं आपको माफ करती हूँ। उस दिन के बाद से अनुष्का और अनीता जादुई लहंगे की मदद से थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं और अपने गांव में सभी अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथ आश्रम खोलते हैं और साथ ही गांव के गरीबों की भी मदद करती हैं। दोनों जादुई लहंगे अनीता और अनुष्का की बहुत मदद करते थे। उस दिन के बाद से अनुष्का और अनीता की जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं रही और वो दोनों जादुई सोने और चांदी के लहंगों के साथ हंसी खुशी रहने लगी।